किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो, जीत के क्या करेंगे, बोलेंगे समाज सेवा। एक भी राजनेता समाज सेवा के लिए नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये लड़ाई किसकी है? हम मानव, हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ये लड़ाई दो प्रजातियों में है, एक कोरोना की प्रजाति है, एक आदमी की प्रजाति। किसका अस्तित्व बचेगा, कौन अफेक्टेड होगा, ये उसकी लड़ाई है। और यहाँ राजनीति पे राजनीति होती चली जा रही है कि देश में रिसोर्सेस की कमी नहीं है। प्रॉब्लम अगर आएगी तो मैनेजमेंट से, अब ये मैनेजमेंट कहाँ कहाँ से होना चाहिए। देखिए, महामारी आती है ना तो अपने साथ केवल एक प्रॉब्लम नहीं आती है, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम है, जिससे जो हो सके वो मदद करिए। दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम सफिशियंट नहीं है कि अगर ये पराकाष्ठा पे पहुंची। हमें ये नहीं चाहिए कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को जो है रेत में छुपा लें और उसके बाद हम ये सोचे कि सब कुछ सही हो गया है, कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। एके मिश्रा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ राजनीतिक नजरिए से हटकर हम इनसे जानेंगे उस विषय पर भी कि आर्थिक नजरिए से कितनी चोट पहुंची और भी इनके पास ज्ञान की तिजोरी है। ठीक सर, ठीक, मैंने बहुत संयम के साथ सुना सर, आ रहा हूं आपके पास। एके मिश्रा, कोरोना से पहले कई भूख ना मार दे इसलिए बेचारे निकल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं जहां पे सरकार 3 महीने का प्लान तैयार करके बैठी है और कह रही है कि 1,70,000 करोड़, क्योंकि इकोनॉमिक नजरिए से आप बहुत बेहतरीन तरीकों को हम समझा सकते हैं, बताइए सर। चावला जी, आपका सवाल बहुत जीनियस है और मुझे लगता है कि जितनी डिबेट मैंने देखी है इतना प्रासंगिक सवाल अभी तक किसी भी कहीं भी किसी डिबेट में नहीं उठाया गया है। देखिए, महामारी आती है ना तो अपने साथ केवल एक प्रॉब्लम नहीं आती है, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। हमें ये नहीं चाहिए कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को जो है रेत में छुपा लें और उसके बाद हम ये सोचे कि सब कुछ सही हो गया है। महामारी का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है, डायरेक्ट इंपैक्ट मतलब जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, या जिनकी डेथ हो जा रही है, मैं ग्लोबल बात करता हूं, राजनीति से ऊपर उठ करके यहां पे बात करिए, क्योंकि महामारी किसी आदमी को पहचानती नहीं है कि ये राजनीतिक है कि गैर राजनीतिक है। जब महामारी आती है तो डायरेक्ट इंपैक्ट जो है, डायरेक्ट लॉसेस हैं, वो है ही। लेकिन जो सवाल आपने उठाया, केवल भूख ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं बोलता हूं, कोई किसी और डिजीज से अगर सफर कर रहा है और उसको दवा ना मिले, खाना पानी टाइम पे ना मिले, किसी को नॉर्मल कोई बीमारी हो गई, किसी को नॉर्मल कोई और सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली पूरी की पूरी दुनिया या पब्लिक जो है प्रॉब्लम में आएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है, मेरे दोनों मित्र एक बीजेपी के और कांग्रेस के बैठे हुए हैं, हम लोग बोलते थे ना बचपन में कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो, जीत के क्या करेंगे, बोलेंगे समाज सेवा। एक भी राजनेता समाज सेवा के लिए नहीं दिख रहा है। ये राजनेता जो मंत्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं या छोटे गली में भी जो है, खैर कुछ पार्टियों ने ऐसी योजनाएं शुरू की है। देखिये, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की लिमिटेशन होती है, और मैं आपको बता रहा हूं ये 10,000 साल पुरानी मैं हिस्ट्री अगर आपको पढ़ के बताऊं, महामारी में कैसे जो है ये चीजें मैनेज हुई, कितना नुकसान हुआ, पूरा डाटा लेके बैठा हूं। मेरे कहने का मतलब, पब्लिक से अपील आपके चैनल के थ्रू ये है, विपक्षी पार्टियों से, पक्ष के नेताओं से, एनजीओ से, इतने एनजीओ दिल्ली में पड़े हैं, उसमें से कितने परसेंट अभी एक्टिव है, विपक्ष के कितने लोग एक्टिव है, केवल बैठ के सलाह देने से नहीं होगा। यहां पे आपको एक मित्रवत जो है हर आदमी के साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा, जिससे जो हो सके वो मदद करिए। दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम सफिशियंट नहीं है कि अगर ये पराकाष्ठा पे पहुंची। इसका एक कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा किसी भी महामारी का, कि पहले फैलती बहुत धीमे से है और एक तेजी से, बहुत तेजी से एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखेंगे तो इतनी ट्रोल मतलब इतना ज्यादा वो उसका ग्राफ बढ़ जाता है अफेक्टेड लोगों का, डेथ का, कि मैनेज करना दुनिया के किसी भी सिस्टम के लिए संभव नहीं है। क्या आपको ये लग रहा है कि 1,70,000 करोड़ की जो राशि का ऐलान किया गया है राहत पैकेज का, वो ऊंट के मुंह में जीरा है? सीधा सीधा बताइए ना। बिल्कुल जीरा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दो चीजें देखिए, जनसंख्या का घनत्व तो देखिए, भारत में कितनी जनसंख्या है, पहली चीज। मैंने इसीलिए बोला सरकार, एनजीओ, पक्ष, विपक्ष, यहां पे हम हिंद देश के निवासी हैं, ऐसा सोचिए। यह भी गलती है कि हम केवल अगर विपक्ष के हैं या पब्लिक हैं और हम सोचे कि केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो वो चीज नहीं है। ये दीवार को लांघिए आप लोग, अगर इसको मैनेज करना है। नहीं, आप जो जो बजट है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, मैं आपको बता रहा हूं। मे बी पॉसिबल, मैं ये नहीं बोलता, हो सकता है गवर्नमेंट के पास और बजट हो, उनको इनिशियल लेवल पे ये लगा हो। आप देखिए दुनिया के छोटे छोटे देश, आप हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, 120 करोड़ की पॉपुलेशन, यहाँ पे हमसे छोटे जो देश है, भले ही वहां कम या ज्यादा हो बात दूसरी है, पर कैपिटा बजट कितना एलोकेट हुआ है, आप अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो आपको पता चलेगा शायद पर कैपिटा इनकम से भी वो कम होगा, पर मंथ अगर आप देखेंगे।
मे बी कि लेटर ऑन ये और बजट ज्यादा दे, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक होने का मतलब केवल 21 दिन नहीं, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने 3 महीने का प्लान करके अभी बताया है तो ये एक अच्छी सूझबूझ, यहाँ पे गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि आपको भी लग रहा है आगे आगे जाएगा मामला, बिल्कुल जाएगा। मैंने आपको बताया सर, ये तिलक चावला जी ये कुछ नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, अभी तो विज्ञान इतना उन्नत कर गया है और इतनी ज्यादा अपील हो गई है, हम लोग जो है सेल्फ डिसिप्लिन में इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप पहले 5,000 साल पहले 4,000 साल पहले जो थी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। नहीं, आप कह रहे 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज सरकार ने दिया है, जैसे कि सोनिया गांधी ने भी कहा कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन ये 6 महीने तक के लिए होना चाहिए था प्लान, आप ये कह रहे हैं कि बजट कम है। नहीं देखिए, दो चीजें हैं, प्लान 6 महीने का डेफिनेटली होना चाहिए पहली चीज, और बजट भी इससे ज्यादा होना चाहिए। बजट में देखिए क्या है, बजट का एक आप पाई चार्ट बनाइए, आपको बजट केवल किट और मेडिसिन के लिए, वो प्राइमरी है, सबसे पहले आपको वो देखना है कि लोगों की जान बचे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम महामारी का, पैंडेमिक बीमारियों का जो आफ्टर माथ इफेक्ट होता है ना, आप मुझे ये बताइए कि ठीक है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक खाना सप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, अगर किसी के घर पे आटा गेहूं चावल दवाई की फैक्ट्रियां बंद है तो कहां से होगा। हमारे देश में स्टॉक है, गवर्नमेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास, कंपनी के पास रिजर्व स्टॉक होता है, अगर वो भी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज दिख रहा है ना सिस्टम का, वो है सप्लाई और डिमांड को जो है मेंटेन करना। प्रोडक्शन बहुत लो लेवल पे चला गया, जरूरी चीजों की मैं मतलब बात कर रहा हूँ, खाने पीने की और दवाइयों की, जो बेसिक नेसेसिटी है। अभी तक किसी भी डिबेट में किसी भी राजनेता ने, आई डोंट नो, उन्होंने हो सकता है कोई सिस्टम बनाया हो, लेकिन मैंने सार्वजनिक डोमेन में नहीं देखा। मैं उसी सिस्टम पे आ रहा हूँ, शिवम त्यागी, कोई सिस्टम है आपका? किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? जिस सिस्टम का जिक्र यहाँ पर एक कैसे होगा सर, आपके पास, आपके पास डिमांड और सप्लाई का जिक्र है, घर घर तक दवाइयां, खाना रिमोट एरिया में, गांव में, एक सेकंड में आपको समय दिया, हर एक घंटे में 5,000 केसेस आने लगे, सिस्टम फेल हो गया। भारत की सरकार उस सिचुएशन पर नहीं जाना चाहती, और जहां तक बात डिस्ट्रीब्यूशन की है और आफ्टरमैथ इफेक्ट की है, देखिए फाइनेंशियल टास्क फोर्स और इस देश के वित्त मंत्री, मैं आपको ये गारंटी और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस देश की जो वित्त मंत्री है वो राहुल गांधी नहीं है, कि एक बार एक चीज को अनाउंस करने के बाद देखे, जब आप राजनीति करें ठीक, आप क्रिटिसाइज करें ठीक, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मुझे चीन के करीब कौन सा शहर है तो उसके लिए जो लिस्ट का होना भी जरूरी है। चावला जी, मैं आपको बार बार बताऊं, हमारे दोनों जो विद्वान नेताजी बैठे हुए हैं, ये देखिए ये लड़ाई किसकी है, हम मानव, हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, ये लड़ाई दो प्रजातियों में है, एक कोरोना की प्रजाति है, एक आदमी की प्रजाति, किसका अस्तित्व बचेगा, कौन अफेक्टेड होगा, ये उसकी लड़ाई है, और यहाँ राजनीति पे राजनीति होती चली जा रही है कि उन्होंने हमारा पीठ थपथपाया। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, मैंने पहले ही बोला है कि सुनिए सुनिए, पार्टी का नाम मत लीजिए, पार्टी का नाम मत लीजिए, आप किसी भी पार्टी का नाम मत लीजिए, एक बुद्धिजीवी की तरह यहाँ पे बात करिए, ये समूचे मानव जो है जाति की यहाँ पे बात हो रही है, केवल देश की बात नहीं हो रही। मैं ये बोलता हूँ, अगर ये शुक्र की चीज है, अच्छी चीज है, भगवान का साया हमारे ऊपर है कि हम बहुत कम अफेक्टेड हुए हैं इसमें, ठीक है, जो शासन है, जो प्रशासन है, लोगों का सोशल एटिकेट्स, हम लोगों के कल्चर का जो रहा है, नमस्ते करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, यहाँ की जलवायु, और पिछले 10,000 साल से रिकॉर्डेड है भारत महामारियों को मैनेज करने में माहिर रहा है, इसकी बहुत सारी विधियां दी हुई है, ये सोशल डिस्टेंसिंग आइसोलेशन की बात चल रही है, हम हजारों साल से ये कॉन्सेप्ट हमारे डे टू डे लाइफ में ये है, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। ये सवाल यहाँ ये नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस का भी सेवा दल है, आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, हर पार्टियों का है, इतने एनजीओ यहाँ पे पड़े हैं जो डोनेशन लेने के लिए हमेशा आते हैं। आप इसको ऐसे देखिए कि ये एक महामारी है, समूची मानव जाति पे ये प्रहार है, राजनीति को भुला करके सब लोग जिससे जो हो सके, मुझे बहुत सारी पार्टियां ऐसी बैठी है जो कि एक छोटे से मुद्दे पे सड़क पे जो है नाच गाना करना शुरू कर देते हैं। आज वो पार्टियां क्यों नहीं आ रही है, आरएसएस के पास सुनिए 6 मिलियन, ये जो डॉक्यूमेंटेड है कि इनके स्वयंसेवक 6 मिलियन है, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, ये लोग खाना पहुंचा रहे हैं, बीजेपी ने भी किया कि 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे, ये अच्छा है, बजट भी जो गवर्नमेंट ने दिया तत्कालिक फेज के लिए अच्छा है। मैं फिर बोलता हूं ये इनसफिशियंट है, महामारी है, इसको पहचानिए, महामारी का मतलब आज जो हो रहा है उसको करिए, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, आज के 2 महीने बाद भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई
तो हमें वॉर लेवल पर तैयारी करनी है अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, देश के संसाधनों को और मानव संसाधन को बचाना है। ऐसी स्थिति में हमारी क्या तैयारी है? सुन लीजिए बाप, राहुल गांधी एक लाइन लेते हैं, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दूसरी लाइन लेते हैं। अब सुनिए, नहीं नहीं मैं बता देता हूँ। अच्छा, आप लड़ते हुए सड़क पर आओगे, अगर आपके परिवार की लड़ाई लड़ते हुए सड़क पर आ जाएगी तो मैं तो बात करूंगा उस पर। एक बंद कीजिए ना इसको, उपाय हमारे नेताओं का सुन लीजिए। आपके तो बड़े विश्वस्त सूत्र हैं कांग्रेस में, आप ही बंद करा दीजिए। नहीं नहीं, ये कैसा ट्वीट है? पूरे कैसा ट्वीट है ये? कोरोना से नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, कोरोना से नहीं वाला ट्वीट है। हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों का देख रहे हैं आप लोगों का। शिवम त्यागी एक सेकंड, इस हालात में जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या ये वाजिब है? देखिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना? ना ना हम इस सियासत का समर्थन करते हैं। सरकारें गिराना और बनाने की बात नहीं है, बचेंगे तभी सरकारें बनेंगी और बचेंगी ना सर। एक मिश्रा इसकी पूरी निर्वाचित सरकार, हम लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं ऐसे हालात में, बहुत अच्छा काम किया, एकजुट दिखाई दे रहे हैं हम ऐसी स्थिति में। उस समय क्या देश में कोरोना नहीं था? जाति के लिए चुनौती, एक वर्ग, धर्म, विशेष संप्रदाय की बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आपके चैनल से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश में रिसोर्सेस की कमी नहीं है। प्रॉब्लम अगर आएगी तो मैनेजमेंट से, अब सुनिए, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ से होना चाहिए। सांसदों के जितने भी इनके निधि में जो खाते आते हैं, इनकी प्राइवेट जो संपत्तियां हैं, कुछ दान करें। हर कारपोरेट का एक सीएसआर होता है, गवर्नमेंट मैंडेटरी करे कि आप इमीडिएट उसको रिलीज करिए। कारपोरेट अपने प्रॉफिट से एक हिस्सा, कंपनी छोटी हो बड़ी हो, वो बोले कि सीधे सीधे गवर्नमेंट बोले या खुद अपने हिसाब से, वो उसको दान करे सोसाइटी के लिए। कारपोरेट अपने एम्प्लॉई को प्रॉफिट लेने के लिए कारपोरेट तुरंत आगे आते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। एक भी कारपोरेट को अभी मैंने इतना एक्टिव होते हुए नहीं देखा। एनजीओ, यही एनजीओ प्रॉफिट लेने के लिए, छूट लेने के लिए लोग दान करते हैं और लाइन में लगी रहती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक सामाजिक मुद्दा है और हमें वापस जाके एक समाज की तरह लड़ना पड़ेगा। दो प्रजातियों में ये लड़ाई है, एक वायरस है और दूसरा ह्यूमन बीइंग है। यहां पर राजनीति से नहीं चलेगा। पैंडेमिक जो बीमारियां होती हैं वो इतनी तेजी से, आपने देखा ना, अमेरिका वगैरह, इटली वगैरह की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हर मामले में ध्वस्त हो गई। ये भारत हो, चाइना हो, कहीं पे भी हो, अगर पूरा समाज के जितने अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, चाहे वो नेता हो, हारा हो, जीता हो, एनजीओ हो, आपसे भी, एक इंडिविजुअल आदमी से भी अगर आपको लगता है कि आप अपने पड़ोसी को मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। चिंता की बात यहाँ पे क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला एक मामले में, मैं सही मान सकता हूँ। एक टर्म होता है नेसेसरी इविल, नेसेसरी इविल मतलब आवश्यक दोष, ये भी बायोलॉजी का, जूलॉजी का टर्म है। लॉकडाउन नहीं करेंगे, कर्फ्यू नहीं करेंगे तो बिना उसके भी तो काम नहीं चलेगा। आप बोलिए तो सड़कों पे एकदम हम मेला लगवा दें, रैली करना शुरू कर दें, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसको कर सकती है। हमें दवाओं और फूडिंग के लिए एक्टिविटी, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी चालू रखनी चाहिए, प्रोडक्शन चालू रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोच के चलना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो बोला है 3 महीने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि 3 महीने तक हमें 120 करोड़ की जनता को घर बैठा के खाना खिलाना है। कैसे होगा ये भी सुन लीजिए, कैसे होगा ये भी सुन लीजिए। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मिश्रा जी। एक है मिश्रा, मुझे सीधा जवाब दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड, आप मुझे एक बात बताइए, क्या शेयर मार्केट से हमें इंडिकेशंस मिल रहे थे, यस और नो? क्या ऐसे हालात को हमें काबू करना चाहिए था, यस और नो? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो कदम उठाए वो पहले उठा लेने चाहिए थे। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, ये फाइट है जीवन को बचाने का। जो सेकेंडरी चीजें हैं, मैं बोलता हूं शेयर मार्केट जीरो हो जाए या कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली इटली वगैरह में आज क्या हो रहा है कि दवाएं मिल जाए और खाना खाने को मिल जाए, यही दो सबसे बड़ा चैलेंज हर देश में आता है पेंडेमिक के टाइम पे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये जो हाइपोथेटिकल चीजें होती है, मैन मेड पैरामीटर्स बनाए होते हैं इकोनॉमी को और इन सब चीजों को, आज जीडीपी, यूडीपी और शेयर मार्केट की उछाल और गिरावट को बात नहीं, करने मैं में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उस रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, इसमें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देव कृपा से हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत भाग्यशाली हैं अपना देश। जिस हिसाब से अगर आप रेशियो देखेंगे तो 120 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर वही रेशियो लगाइए जो इटली वगैरह है, और उसमें अगर हम बचे हैं ना, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह तो अभी हफ्ते भर पहले हुआ है ना, फैलना होता तो पहले फैल जाता। हमारे अपने सोशल एटिकेट्स, सोशल नॉर्म्स ऐसे थे जिसके कारण हम बचे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए एतदपि गमिष्यति, बहुत सारी बाधाएं आए चली गई, ये भी चला जाएगा। सारी पार्टियां, समाज का हर घटक इस वक्त एक रहे, ध्यान एक रहे कि हमें लड़ना एक दूसरी विजाति से है। ठीक है,